हम लोग हमेशा बात करते हैं एक कार के ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अलग अलग ब्रांड्स आपको अलग अलग तरीके के ट्रांसमिशंस अलग अलग कार्स में अवेलेबल करवा देते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशंस हम लोग अपने रेगुलर हो चुके हैं और उसका पर डे यूज भी करते हैं। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी की जिसकी हम बात करें तो जो ना ऑटोमेटिक के सेगमेंट में जाती है और ना ही प्रॉपर मैनुअल के सेगमेंट में जाती है। आज ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, IMT। ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी अभी किया और हुंडई जैसे जो ब्रांड्स हैं ये आपको ऑफर कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी का आज रिव्यू करने के लिए, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस जानने के लिए आज हमारे साथ है i20 का ये स्पोर्ट्स वेरिएंट जो IMT टेक्नोलॉजी, IMT ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस गाड़ी के इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले इस i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट्स के एक्सटीरियर लुक से। गाड़ी के साथ अगर जो चीज आपको ऑफर की जाती है वो है ये एक की। ऐसी कुछ की आपको i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ मिल जाती है। ये एक फ्लिप की है और आपको इस की का यूज करके ही गाड़ी का जो इंजन है वो आपको ऑन करना होगा। गाड़ी पर एक आपकी गाड़ी को लॉक करने के लिए स्विच, अनलॉक करने के लिए स्विच, और अगर आप इस बटन को होल्ड करेंगे तो बूट को ऑपरेट करने के लिए, अनलॉक करने के लिए एक स्विच आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। अगर आप i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट की रियर प्रोफाइल से अगर हम शुरू करें तो गाड़ी की रियर प्रोफाइल देखने में काफी इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो ऑटोमेटिकली इसका एक स्पोर्टी लुक देना हुंडई की ओर से कॉमन चीज है। गाड़ी की रेयर में आप इसकी टेल लाइट्स देख सकते हैं, काफी प्यारी सी जेड कट में आपको जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। जेड कट टेल लाइट्स i20 स्पोर्ट्स के साथ आपको ऑफर की जाती हैं। और इसकी इस नॉब से लेकर गाड़ी की पूरी ही रेयर प्रोफाइल में आपको एक क्रोम की जो बेल्ट है, ये क्रोम बेल्ट आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा जो गाड़ी को काफी अच्छी फिनिशिंग भी देता है और इसको लुक भी देता है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको रेयर में वाइपर की प्लेसमेंट नहीं मिलती, लेकिन डिफॉगर्स जो है वो आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा हाई हेडेड स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट भी आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। सुपीरियर सा आपको यहाँ पर एक हुंडई का लोगो देखने के लिए मिलेगा और ठीक आपको यहाँ पर नीचे रेयर बंपर में यहाँ पर दी गई है रेयर कैमरा की प्लेसमेंट। रेयर बम्पर के ऊपर आपको दो पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। ये बम्पर को डुअल टोन में यहाँ पर ऑपरेट कर दिया गया। नीचे आपको प्रॉपर जो ग्लाइडिंग है वो ब्लैक मिल जाती है और यहाँ पर आपको इस i20 वेरिएंट के साथ देखने के लिए मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स। नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स इसके साथ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो स्पोर्ट्स की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और ये i20 जो हुंडई की ओर से यहाँ पर i20 की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। अगर आप i20 की रियर प्रोफाइल में हटकर अगर आप आएंगे गाड़ी की साइड प्रोफाइल के ऊपर तो साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है और काफी ही कट्स इसके जो शोल्डर्स है इसको काफी अच्छी जो फिनिशिंग है वो गाड़ी को दी गई है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ये रेयर में आप देख सकते हैं प्रॉपर ये क्रोम बेल्ट गाड़ी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्यूल टॉप अप करने के लिए आपको यहाँ पर लिड मिल जाए। अगर आप इसके व्हील साइज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको i20 में दिए गए हैं 16 इंचेस के व्हील और ये कोई अलॉय व्हील नहीं है, ये नॉर्मल व्हील कवर्स है लेकिन काफी स्टाइलिश है जो देखने में ऐसा लगता है कि गाड़ी के साथ आपको अलॉय व्हील दिए गए हैं। लेकिन ये अलॉय व्हील नहीं है, नॉर्मल स्टील रिम है जिसको काफी अच्छा अट्रैक्टिव सा जो व्हील कवर है उससे कवर अप किया गया है। और i20 के इस साइड में आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिलती है प्लास्टिक की ग्लाइडिंग्स। ये जो है प्रॉपर ये कोई हार्ड प्लास्टिक जो है उसको यूज यहाँ पर किया गया है ग्लॉसी ब्लैक में। यहाँ पर i20 की जो ब्रांडिंग है वो भी यहाँ पर दी गई है और i20 में हुंडई आपको ऑफर करती है 170mm का ग्राउंड। अगर आप इसके ORBM के ऊपर आएंगे तो i20 के इस स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं और इसी के ऊपर LED टर्न इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो भी दी गई है।
ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो काफी अट्रैक्टिव सी स्पोर्टी सा लुक देती है, और सेम कुछ ऐसा ही स्पोर्टी सा अट्रैक्टिव सा ये गाड़ी लुक देती है आपको अपनी फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पर आपको सेंटर में मिलेगा हुंडई का एक बहुत प्यारा सा लोगो, और प्रॉपर इस ग्रिल को ग्लॉसी ब्लैक जो है उससे यहाँ पर आपको प्रॉपर टचअप दिया गया है। सेम वैसा ही ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पर आपको स्किड प्लेट ग्लाइडिंग जो है नीचे भी दी गई है, जो ओवरऑल गाड़ी को काफी अच्छा जो अट्रैक्टिव लुक है वो देती है। यहाँ पर आपको दी गई है ब्रांडिंग टर्बो की, ये 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, तो यहाँ पर आपको टर्बो की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको दी गई है। इसकी अगर आप हेडलाइट्स के ऊपर फोकस करें तो नॉर्मल हाइलोजन बल्ब आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर नीचे आपको देखने के लिए मिलती है DRL, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स है, जिसमें आपको 6 जो बल्ब है वो यहाँ पर दिए गए हैं LED बल्ब, और नीचे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा फॉग लैम्प। तो ओवरऑल गाड़ी को काफी कंप्लीट। ये तो थी कुछ बात और कुछ छोटी मोटी डिस्कशंस इसके एक्सटीरियर लुक के। पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस IMT टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक मैनुअल तो जो एक फैक्टर हमारी एक है वो कॉमन लाइफ में बन ही चुका है, लेकिन मैं पर्सनली इस IMT वेरिएंट को चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलते हैं इस गाड़ी के कुछ जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इस IMT के बारे में वो भी क्लियर करेंगे, इसके इंटीरियर जो फीचर्स हैं उसकी भी बात करेंगे, और ड्राइव करने में इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर की बात करेंगे तो ओवरऑल इसका जो पूरा डैशबोर्ड है वो आपको काफी अच्छा सा यहाँ पर जो लुक है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। मुझे इस गाड़ी में जो सबसे ज्यादा अपनी और अट्रैक्ट करने वाली चीज लगी वो ये जो शेप है, ये जो यहाँ पर टचअप दिया गया है, ये आपको सच में ही किसी स्पोर्ट्स कार का जो फील है वो यहाँ पर आपको याद दिलाएगा एक स्पोर्ट्स कार की। अगर आप इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर फोकस करें तो स्टेयरिंग व्हील आपको कोई भी यहाँ पर लेदर रैप या कोई भी सॉफ्ट टच तो नहीं दिया गया, लेकिन ओवरऑल स्टेयरिंग की जो ग्रिपिंग है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको सेंटर में दिया गया है हुंडई का एक वैसे काफी स्मार्ट सा लोगो, एयरबैग की बैजिंग, इस साइड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंट्रोल मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको आपकी इस MID को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल्स हैं। क्रूज कंट्रोल आपको इस वेरियंट में अवेलेबल नहीं करवाया जाता। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर आप बात करें तो काफी अच्छा सा यहाँ पर आपको प्रॉपर सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर रोटर डायल्स आपकी वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और इसको ऑन या ऑफ करने के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। इजी टू यूज के लिए यहाँ पर आपको कुछ बटन्स के जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ प्लेसमेंट है नीचे इसके AC वेंट्स की, जो आप इजिली वाइल्ड ड्राइविंग ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल जो AC का सेटअप है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको हर चीज यहाँ पर अपने आप ही कंट्रोल करनी है, ऑटोमेटिक AC का आपको ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं मिलता। यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB के लिए पोर्ट, और ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। इंटीरियर में यहाँ पर आपको इसका ग्लोव बॉक्स जो है वो भी काफी डिसेंट सी स्पेस दे देता है, काफी अच्छा है। आप यहाँ पर अपना ठीक ठाक सा सामान जो है वो भी रख सकते हैं। अच्छी चीज क्या है कि ये ग्लोव बॉक्स आपको कूल्ड प्रोवाइड करवाया गया है, तो कोई भी आप ऐसी चीज यहाँ पर रख सकते हैं जिसका टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। इसके इंटीरियर में आपको साउंड सिस्टम भी काफी अच्छा मिल जाता है, आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता है। और अगर आप इसके इंफोटेनमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो ये क्लस्टर आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा डिजिटल, और काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन। अभी ये आपको टायर प्रेशर जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो कर रहा है, और मुझे इंडिकेट भी कर रहा है कि गाड़ी में अभी फ्यूल लो है, और इसका टायर प्रेशर जो दिखा रहा था कि लेफ्ट साइड के फ्रंट टायर में प्रेशर जो है वो भी लो है। RPM अगर आप बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा डिजिटल। स्पीडोमीटर भी आपको यहाँ पर प्रॉपर डिजिटल दिया गया है। सेंटर में आपकी गाड़ी आपको क्या इकोनॉमी अभी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, आपकी ट्रिप की डिटेल्स, ड्राइव इन्फो, तो कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको सारी मिल जाएंगी।
यहाँ पर आपको दिए गए हैं वाइपर्स के कुछ कंट्रोल, और इस साइड आपको दिए गए हैं हेडलाइट्स और टर्न इंडिकेटर का कंट्रोल। नीचे यहाँ पर आपको हेडलाइट जो लेवलर है उसका भी कंट्रोल आपको यहीं पर जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। तो इंटीरियर की अगर मैं बात करें, इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डैशबोर्ड है, इसका ये जो कट है, ये कट अपने आप में बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और ठीक उसी ही कट से, उसी ही टाइप से इसका जो डोर है उसको भी यहाँ पर जो है गैप दिया गया है, फिनिशिंग दी गई है। आप जब इसको क्लोज करते हैं तो ये गाड़ी के साथ प्रॉपर फिक्स होकर आपको बहुत ही अच्छा जो गेटअप है वो इंटीरियर का देता है। अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो Hyundai अपने आप में ही फिट एंड फिनिश के लिए जानी जाती है। कुछ कोरियन ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी फिट एंड फिनिश के में काफी परफेक्ट है, तो यहाँ पर आपको हर जगह प्रॉपर फिट एंड फिनिश देखने के लिए मिलेगी। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फिट एंड फिनिश में गाड़ी में नहीं आने वाली है। अगर स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात करें तो ये एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट जो है वो इस वेरियंट में आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो काफी अच्छी चीज है। ड्राइवर सीट आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको हाइट भी इसकी जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफी अच्छी चीज है। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी लगभग आपको कॉमन जितने फीचर्स आपको पर डे चाहिए होते हैं वो सब कुछ आपको अवेलेबल करवाता है। एप्पल कारप्ले, आपका एंड्रॉयड ऑटो, हर चीज, आपको कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जो काफी अच्छा है। और आपको ओवरऑल इंटीरियर भी काफी इसका जो है सुपीरियर सा लुक देता है, अच्छा लुक देता है। ऊपर आ जाएंगे तो मैन्युअली आपको इसका एडजस्ट करना पड़ेगा IRVM, और इसमें कोई भी ब्लू लिंक वगैरह का आपको ऑप्शन Hyundai प्रोवाइड नहीं करवाता। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है एक सनग्लास होल्डर की, कैबिन लाइट्स, इसको आप सारी आपको जो है इसमें हाइलोजन ही मिलेगी, कोई LED कैबिन लाइट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, काफी ठीक ठाक से साइज का है, लेकिन वैनिटी लाइट आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं करवाई गई है। सबसे अच्छी चीज कि इसका जो मेरे को देखना है वो है इसका ये गियरबॉक्स। ये है IMT वेरिएंट, तो इसका ये 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स है, लेकिन IMT अब इसका कैसे काम करता है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो अभी हम गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलती है नीचे दो कप होल्डर्स की, ये कप होल्डर्स भी काफी यूजफुल स्पेस है, जो आपको पर डे यूज में आने वाली चीज है। और आर्मरेस्ट की बात करें तो इसमें भी आपको काफी स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन ये एडजस्टेबल जो है, एडजस्टेबल ये नहीं है आर्मरेस्ट इसका जो है वो प्रॉपर फिक्स्ड है। तो अब गाड़ी को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं गाड़ी को, और अब देखते हैं कि इसका जो IMT गियरबॉक्स है ये हमारे को क्या रिस्पॉन्स देता है, और इस गियरबॉक्स से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर अप करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, वीडियो में बने रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी इंफॉर्मेशंस और ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी और भी लाते रहेंगे। तो करते हैं अब गाड़ी को, अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, और इसमें आपको सिर्फ दो ही पैडल है, IMT है तो दो ही आपको इसमें पैडल मिलेंगे। अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको डेड पेडल जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। गाड़ी में क्लच नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, दो ही पेडल आपको मिलेंगे। IMT ट्रांसमिशन है जिसको आज हम ड्राइव करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ब्रेक पेडल पर जब आप पैर रख के गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तभी इसका इग्निशन ऑन होगा, और आपने कोई क्लच इसमें है नहीं, आपको प्रेस नहीं करना, आपने सिर्फ गाड़ी को गियर आपने फर्स्ट डालना है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं अभी, ना ही मैंने एक्सीलेटर इसका प्रेस कर रखा है, ये गियर लेते ही गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू कर देगी। आपको इसमें कोई भी क्लच का फंक्शन खुद ऑपरेट नहीं करना है, और जैसे ही आप इसका गियर बढ़ाएंगे तो गाड़ी का गियर बढ़ेगा भी, और आप इसको इजिली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। मैनुअल आपने इसको चलानी है, इसमें गियर शिफ्ट अपने आप नहीं होगा, IMT में अपने आप गियर शिफ्ट नहीं होता है, गियर शिफ्ट आपको इसमें खुद करना पड़ेगा, लेकिन बिना क्लच दबाए। ये फंक्शन IMT मींस इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, ये अपने आप में ही काफी स्मार्ट सा मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो गाड़ी जब आप गियर चेंज करते हैं तो वो इसको अपने आप एक इंडिकेशन देता है कि आप इसका क्लच प्रेस करिए,
तो कुछ गाड़ी के फंक्शंस ऑटोमेटिकली ही इसके क्लच पैडल को प्रेस करते हैं और आप इजिली जो है इसका गियर चेंज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सिटी राइड्स के लिए परफेक्ट है। और अगर आपको ऑटोमेटिक में कोई दिक्कत लगती है और आपको चाहिए कि हाँ मेरे को गाड़ी मैनुअल चाहिए लेकिन आप क्लच दबाना नहीं चाहते, क्लच आपको अगर परेशान करता है ट्रैफिक एरियाज में, तो ये बहुत ही क्लासिक ऑप्शन है आपके लिए। जो अभी आपको i20, वेन्यू, किया की सोनेट इन वेरियंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं कि IMT है, इसमें कोई गियर नहीं, क्लच नहीं है, आप इसका गियर जो है खुद ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे आप इसका गियर बढ़ाते रहेंगे गाड़ी उसी हिसाब से अपनी स्पीड को RPM को इंक्रीज करती रहेगी। आप में इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाला या इसमें कुछ भी ऐसा आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली मैं इसको ड्राइव कर पा रहा हूं। थोड़ा सा अजीब सा लगता है फर्स्ट टाइम जब आप IMT को चलाएंगे तो, लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज्यादा माइलेज भी ये जो IMT टेक्नोलॉजी है ये आपको देगी। अगर इस गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि अगर हम इस गाड़ी को अभी ड्राइव कर रहे हैं, इसमें क्लच नहीं है, और गाड़ी को अगर हमने न्यूट्रल करना है तो कैसे होगा? बहुत सिंपल है। आप मैनुअल ट्रांसमिशन की जब गाड़ी चलाते हैं आप क्लच दबाते हैं और न्यूट्रल कर लेते हैं, आपको इसमें क्लच नहीं दबाना। जैसे ही आप इसको कमांड देंगे न्यूट्रल होने का, ये न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आपको कुछ करना नहीं है, गाड़ी अभी भी चल रही है और आपका ये जो गियर वो अभी है, मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको चला रहे हैं, अभी मैंने इस गाड़ी को डाला थर्ड गियर में अभी मैं इसको चला रहा हूं, और अगर अब मुझे गाड़ी रोकनी है तो क्या होगा? क्या गाड़ी बंद हो जाएगी? नहीं, ये मैंने ब्रेक ली और मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। सिर्फ आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, प्लीज शिफ्ट डाउन। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर नीचे लिखा हुआ आ गया प्लीज शिफ्ट डाउन, क्योंकि मैंने थर्ड गियर में ही गाड़ी को रोक दिया था। ये देखो, आप देख सकते हैं यहां पर इंडिकेशन थर्ड गियर का दे रखा है, प्लीज शिफ्ट डाउन, क्योंकि मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट गियर आपने डाली, आप ब्रेक पेडल छोड़ दीजिए और गाड़ी आपकी जो है चलना शुरू फिर से कर देगी। सेम ऐसे ही आप अगर ट्रैफिक एरियाज में है, हाईवे पर है, कहीं पर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग की जरूरत पड़ जाती है, कुछ भी है, अभी आप देखिए कि मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूं और ये मैंने गाड़ी डाली थर्ड गियर में, स्पीड मैंने यहाँ पर बढ़ा दी, स्पीड है मेरी अभी 60 km/h की। गाड़ी मैंने डाली फोर्थ गियर में, स्पीड हो गई है मेरी अभी 63 km/h की, और इसको मैंने 65 की स्पीड में इमरजेंसी ब्रेकिंग करके मैंने गाड़ी, सिर्फ एक इंडिकेशन आया प्लीज शिफ्ट डाउन। अब चौथे गियर में गाड़ी उठेगी नहीं, उठाने के लिए आपको इसको फर्स्ट या सेकंड में ही डालना पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं से भी ये गाड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली आपके लिए नहीं है, तो काफी अच्छा है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, क्या गाड़ी में गियर शिफ्ट जब हो रहे हैं वो आपको फील हो रहा है? तो पर्सनली मुझे तो नहीं हो रहा। अगर आप एक डिसेंट सी अमाउंट पर आपका RPM है, आप ज्यादा गाड़ी को खींच नहीं रहे हैं, और अगर आप उस RPM पर जो रिक्वायरमेंट है आपके गाड़ी की इंजन की, आप अगर उसके हिसाब से इसका गियर शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं, तो आपको इसमें कोई भी मेरे को जर्क फील नहीं हो रहा, कोई मेरे को इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा फील नहीं हो रहा कि कहीं पर लैग हो, कोई मेरे को गियर शिफ्ट की फीलिंग नहीं आ रही है कि हाँ मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, कहीं साउंड ले रही है गाड़ी या मेरे को आवाज लग रही है कि हाँ अब गियर शिफ्ट हुआ, जैसे मोस्टली होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कि गाड़ी जब आपकी हाई RPM पर जाती है तभी आपको पता लग जाता है कि हाँ अब गाड़ी मेरी जो है वो गियर शिफ्ट हो रहा है। तो IMT में वो चीज भी नहीं है, बहुत ही सुपीरियर सी जो राइड क्वालिटी है वो अभी मेरे को इससे मिल रही है और मैं इजिली इसको ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है इसमें नहीं लग रही। टर्निंग रेडियस भी काफी अच्छा है गाड़ी का, बहुत इजीली आप इसको कहीं भी ट्रैफिक में, सिटीज में आप इसको चला सकते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो गाड़ी अभी तक फिलहाल जो हम लोगों को है वो दे रही है। तो मुझे तो ओवरऑल ये IMT जो टेक्नोलॉजी है ये मुझे तो काफी अच्छी लगी, काफी
अलग है, डिफरेंट है। और ऑटोमेटिक के लिए अगर आप नहीं जाना चाहते, मैनुअल आपको अगर क्लच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा सा ऑटोमेटिक से अगर हम बात करें कॉस्ट की, प्राइसिंग की, तो कॉस्ट में भी थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है ऑटोमेटिक के हिसाब से। मैनुअल से थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन आप इसको सिटी राइड्स में बहुत इजीली चला सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल जो आपको साथ राइड है ये गाड़ी आपको ऑफर करने वाली है। थोड़ा सा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों के माइंड में, तो उसके लिए हमारे साथ शिवम सर हैं और हम उनसे भी बात करेंगे गाड़ी के क्वेश्चंस के बारे में कि कस्टमर अगर आता है तो उसके माइंड में क्या कंफ्यूजन रहती है, क्या उनको प्रॉब्लम्स लगती हैं, क्या उनके सामने क्वेश्चंस आते हैं। तो शिवम सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। हेलो सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि IMT, जैसे कि अभी इतना लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं शायद, लोग मैनुअल या ऑटोमेटिक में ही अभी जो है, बिल्कुल है। हाँ। तो जब आपके सामने कोई कस्टमर आता है और आपको अगर अपनी गाड़ी वहां पर सेल करनी है, या अगर कस्टमर इसके फीचर्स आपसे पूछता है, आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन करने में आती हैं, या कस्टमर के कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखो कस्टमर को ना पहली बात तो अभी भी उन्हें लगता है कि ये ऑटोमेटिक है जी, उन्हें ये नहीं पता IMT जो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है जी। और खासकर मैं आपको बताऊं, मैंने जो अभी तक गाड़ी दी है, अगर जो फीमेल्स वगैरह यूज करती हैं, हाँ जी, उनकी वाइफ्स वगैरह, मैम वगैरह, जो मतलब थोड़ा क्लच सही से यूज नहीं कर पाती, उनके लिए बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। मतलब लेडीज को जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम रहती है, आती है, उनके लिए सुपीरियर है, बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि वो कस्टमर आते हैं, हम कहते हैं भैया क्लच नहीं है उसमें, IMT है, वो कहते हैं फिर तो ऑटोमेटिक है जी, पर वो ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है वो, बट है वो मैनुअल। और इसमें माइलेज क्या कंपनी क्लेम करती है सर, क्या इसमें ऑटोमेटिक से ज्यादा माइलेज हमें मिलता है? ऑटोमेटिक से हमेशा इसमें ज्यादा माइलेज मिलेगा, पर नॉर्मली आपको पता है टर्बो में है, तो टर्बो का पिकअप के हिसाब से आपको मैनुअल से थोड़ा कम रहेगा, पर ऑटोमेटिक से ज्यादा रहेगा। वो तो एक इंजन स्पेसिफिकेशन हो गई टर्बो, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं पिकअप वगैरह, आपको सब चीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको बस वही है। लेकिन अगर हम इसका सर प्राइस का अगर कंपैरिजन करें, तो क्या ये ऑटोमेटिक से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कम पैसों में आ जाती है? बिल्कुल, ऑटोमेटिक से तो वैल्यू फॉर मनी है ये जी, ठीक है, और एप्रोक्स ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है, लेकिन बेस्ट है। ओके, और मैनुअल से सर लगभग कितना पैसा कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, अगर हम इस i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का ही एग्जांपल लें? एप्रोक्स 90 या 95,000 एप्रोक्स, लगभग 90,000 से 95,000 रुपए का डिफरेंस जो है आएगा, वो आ जाता है मैनुअल में और IMT में। लेकिन एक चीज सर मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई कस्टमर को आप इसकी टेस्ट ड्राइव देते हैं, तो क्या वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि गाड़ी में जर्क है, या गियर शिफ्टिंग फील करता है, या कुछ ऐसा? नहीं, कंफ्यूज नहीं, जब फर्स्ट टाइम, अगर जिसने खाली मैनुअल चला रखी है जी, वो अगर फर्स्ट टाइम चलाएगा एक बार के लिए, ऐसा लगता है कि क्योंकि बिल्कुल मतलब क्लच है नहीं, क्लच नहीं है, लेकिन आपको गियर शिफ्ट खुद ही करने हैं, खुद ही करनी है जी। फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने चलाई थी, तो मैंने भी एकदम से ब्रेक मारी थी, क्योंकि एकदम से पिकअप पकड़ लेती है जी, तो मैंने भी ब्रेक मारी एकदम से, पर एक दो दिन चला के इतना कंफर्ट फील होता है कि अगर जाओ ट्रैफिक वगैरह, मेट्रो सिटीज होती हैं दिल्ली वगैरह में ना जी जी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, तो काफी अच्छा जो एक्सपीरियंस है IMT का, कोई जर्क मेरे को इस गाड़ी में पर्सनली फील नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का मेरे को ऐसा इसमें गियर शिफ्ट फील नहीं हो रहा कि हाँ गाड़ी अब गियर शिफ्ट कर रही है, मैं इसको हाई RPM पर लेकर जा रहा हूं, तो काफी अच्छी राइड क्वालिटी भी ये मेरे को ऑफर कर रही है। अगर मैं इस गाड़ी की कुशनिंग की बात करूं, सिटिंग कंफर्ट की बात करूं, तो काफी अच्छा है, इसमें काफी अच्छी अमाउंट में मेरे को अंडर थाई सपोर्ट भी मिल गया, और काफी अच्छी जो कुशनिंग है सीट्स की वो भी मेरे को मिल गई। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो गाड़ी के इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूं, कंफर्ट की बात करूं, तो ट्रांसमिशन के साथ साथ इसकी जो कुशनिंग है, सीट का जो कंफर्ट है, सिटिंग जो मेरा पॉस्चर है, वो भी मेरे को अभी ड्राइविंग सीट पर बहुत ही अल्टीमेट। इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, जैसे ऑल्ट्रोज आ जाती है, मारुति की बलिनो आ जाती है, तो उस तरीके से इस गाड़ी में मेरे को काफी जो अच्छा है, एक सुपीरियर सा राइड कंफर्ट जो मेरे को ये गाड़ी ऑफर करती है। अभी हम चलेंगे इस गाड़ी की सेकंड रो में, एक बार मैं वहां पर भी बैठकर देखना चाहता हूं कि मेरे को इसमें कैसा लेगरूम मिलता है, हेडरूम मुझे कैसा मिलता है, और वहां की इसकी जो सिटिंग कंफर्ट है वो कैसा है। तो एक बार चलते हैं इसकी सेकंड रो में,
और बात करते हैं इसकी एक बार सिटिंग पोस्चर के बारे में। तो अभी हूँ फ्रेंड्स मैं इस i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट्स की ये सेकंड रो में, और अभी मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो ये ड्राइवर जो सीट है ये मेरी ही हाइट के हिसाब से, मेरी सिटिंग कंफर्ट पोस्चर के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखी है। अगर मैं बात करूँ लेग रूम की तो बहुत अच्छा खासा लेग रूम है मेरे लिए यहाँ पर। हाँ, अगर कोई 6 फीट से ज्यादा हाइट का होगा पर्सन तो उसके लिए भी लेग रूम तो उसको भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी मेरे को अच्छा खासा यहाँ पर मिल गया। रियर में आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एसी वेंट्स के कुछ कंट्रोल्स, नीचे एक आपको यहाँ पर यूएसबी टाइप चार्जिंग का पोर्ट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया गया है, और ये आपके मोबाइल फोन को या आप कह सकते हैं एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोनों ही आपको डोर्स में बॉटल होल्डर्स की प्लेसमेंट है, थोड़ा सा आपका स्टोरेज स्पेस भी है, पावर विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, और हेडरेस्ट जो है रेयर में वो आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, फिक्स्ड है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और इस वेरिएंट में पीछे आपको कोई आर्मरेस्ट या कप होल्डर जैसी चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट में आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, रियर में थोड़ा सा कंफर्ट मेरे को इसमें कम फील हो रहा है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और ऐसा भी नहीं है कि बहुत नहीं है, बहुत अच्छा है, सुपीरियर है, ओवरऑल काफी अच्छा कंफर्ट है, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, अच्छा कंफर्ट आपको मिलेगा। अगर थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट और अच्छा होता तो इसके जो पीछे की जो सीट है इसमें भी आपको ओवरऑल काफी अच्छा कंफर्ट जो है वो मिल जाता। तो अगर कंक्लूजन पर आए तो i20 स्पोर्ट्स ये IMT वेरिएंट जो मैंने चलाया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इसका ट्रांसमिशन लगा, बहुत इजी टू ड्राइव है, बहुत अच्छा कंफर्ट आपको देगा, सिटी में तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्यारा, कोई आपको गियर शिफ्ट कोई जर्क आपको फेल नहीं होता, काफी अच्छा है। तो काफी अच्छा लगा मेरे को इस गाड़ी को चलाकर भी, काफी इसका डिसेंट सा मेरे को इसका ड्राइव एक्सपीरियंस भी लगा। तो ऐसी ही वीडियोस को आगे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करें, और आप अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करते रहिए। अगर कोई आपका क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया तो कमेंट में आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। तब तक के लिए हमेशा जब भी आप ड्राइव करें तो एक सेफ ड्राइव करें, सीट बेल्ट्स का यूज करें,